सरगुजा के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है लखनपुर विकास खंड के चांदो ग्राम पंचायत के आश्रित घंटा डी गांव का, जहां बिजली, पानी, सड़क कुछ भी नहीं है। आलम यह है कि यहां कोई अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता। स्थानीय लोगों के मुताबिक जन दर्शन में कलेक्टर के सामने उन्होंने मांग रखी तो गांव में शिविर भी लगा, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बावजूद समस्या जस की तस है। मौके का जायजा लिया इंडिया न्यूज के संवाददाता ने। आजादी के कई दशक बीत जाने के बावजूद लखनपुर विकास खंड के ग्राम चांदो का आश्रित ग्राम घंटाडी, यहाँ मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुंच पाई। ये जनदर्शन में भी गए, जनदर्शन से यहाँ से जिलाधिकारी भी आए यहाँ, और यहाँ कैंप भी लगाया गया, और 90 दिन का आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को कि 90 दिन के बाद आप लोगों तक मूलभूत सुविधाएं, सड़कें, बिजली, पानी, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। 90 दिन के बाद हम आज आए हैं यहाँ पर घंटाडी में, और इन ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर 90 दिन के बाद यहाँ तक कुछ सुविधाएं पहुँची या नहीं। क्या यहाँ कुछ सुविधा पहुँची? कुछ नहीं पहुँची सर, हमारे जो सुविधा 90 दिन का आदेश मिले रही, कुछ नहीं पहुँची सर हमारे यहाँ पर अभी तक। जनदर्शन में गए रहा, फिर क्या कहा रही? वहाँ पर बोले थे हम लोग रोड, पानी, तो सबसे पहले तो रोड बोले रहें, उसके बाद में लाइट बोले रहें, उसके बाद में हमारे जग बिजली बोले रहें, तो कुछ हमल्ला नहीं पहुंची सह भैया। तो यहाँ कैंप भी लगा रही, कैंप लगे रही पूरा, यहाँ सब अधिकारी आए रही, आश्वासन दे रही ये जग 90 दिन का तुम्हार जग सब कुछ व्यवस्था हो जाए कह के ये जग बोले रहे। 90 दिन ला देख देखे ना, उतना तक कुछ ये जग नहीं पहुँचे पैसे हैं। अच्छा, और भी हमारे साथ महिलाएं हैं जो कुछ बताएंगी। यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो पानी का बहुत सुविधा है यहाँ, तो पानी कैसे करते होंगे? तो पानी नहीं है, पानी का साधन है 4 किलोमीटर दूर है नदी, तो नदी चब रेंग के घटिया उतर के जाते हैं, और उन्हें उतर के एक डेचकी पानी ला डोह डोह के यहाँ लान थे, और लान के वही ला लेके पीते, अब वहाँ आए तो अब शादी ब्याह होगी, इस लड़की मन भी है ना, तो आए बार यहाँ नहीं चाहे, अब आए तो बोर कर पी पी के मतलब पहटी से, तो अब 4 किलोमीटर दूर कहाँ जाए सकी मन, तेकर चलते मन आए बार एठन शादी ब्याह भी जाए करते हैं, तो एठन आए बार नहीं करते हैं। ये बताएंगे आखिर किस तरह की समस्या होती है। आप लोग लड़की ब्याह करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या समस्या है? जैसे लड़की ब्याह करने जाते हैं ना, तो कोई कोई बोलते हैं कि ये घंटा डेही नहीं देंगे हम लोग, काबर की वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, रोड का है ना, पानी का है ना, बिजली का है। और हमारा भी जो लड़का का शादी करा हूँ उसको भी बोलता हूँ कि जाओ घंटा डेही रहना, तो बोलते हैं कि वहाँ कुछ साधन ही नहीं है तो कहाँ करने जाएंगे, वहाँ जाओ तुम लोग रह, तो सब बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं। ग्रामीणों की समस्या तो आपने समझ चुकी होगी कि यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इन ग्रामीणों का दुख समझ पाते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश प्रधान, सरगुजा।